इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे क्या हुआ? तेल पानी तो बनियाल लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। कितना मोदी आएंगे, कितना मोदी जाएंगे। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं उनके। देखिए, कल अमित शाह का बिहार दौरा था, वो सीमांचल क्षेत्र में बिहार दौरा कर रहे थे। इस दौरान खुले मन से उन्होंने जमकर इंडिया गठबंधन पर जो है वो कटाक्ष किया है। वहीं बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, वहीं इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जमकर कटाक्ष किया है। कहा है कि जब उनसे देश संभल नहीं रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, और एक तरफ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, मणिपुर की घटना पर उन्होंने कहा है कि चुनाव क्यों नहीं करा देते, क्या डर लग रहा है, क्या क्या कुछ कह रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सुनिए। आई जैसे गरीबों पर कर ढाल रहा है, हर विभाग पर कर ढाल रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे क्या हुआ? चुनाव नहीं करा रहे, क्या नहीं चुनाव करा रहे हैं भैया? सती शासन लगाए हुए हैं, हिम्मत है तो चुनाव कराओ ना, पहले वहाँ कराना चाहिए ना, क्या नहीं करा रहा? डर के मारे नहीं करा रहा है। बोलते हैं कि मणिपुर में हो रहा घटना क्या नहीं रुक रहा है? करा रहा जवाब बिहार के लोग देंगे, बिहार के जनता तो बताएगा आदमी। बोलते हैं कि JDU और RJD का जो मेल है बेमेल है, तेल और पानी का है, कभी साथ नहीं आ पाएगा। तेल पानी तो बनियाल लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। इंडिया कायम है, शर्म लगता है मोदी के, शर्म आता है। भारत के सब कोई मानता है, भारत देश हमारा है, इंडिया भी हमारा है। पहले भी कहीं भी विदेश में जाइए, इंडिया से आए हैं, हम लोग कहते हैं हाँ इंडिया से आए। शर्म नहीं आता है, शर्म लगता है इंडिया नाम रखा गया तो। काहे घमंडिया बोलता है लोग? घमंडिया बोलता है वो, अपना घमंडी है, इसीलिए घमंडिया बोलता है दूसरा के, अपना घमंडी है। केकरा के उठवा लेंगे, केकरा के मरवा देंगे, केकरा के का कर देंगे, कोई ठिकाना है वो लोग के? और दुनिया जानता इसके साथ क्या घटना करता है लोग। रोजगार देने के सवाल पर रोजगार नहीं देंगे, महंगाई नहीं रोकेंगे, सब चीज़ के दाम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर करारा जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। बोलते हैं 2024 में फिर मोदी जीतते हैं एकदम। कितना मोदी आएंगे, कितना मोदी जाएंगे, उनका काला से मोदी आ जाएगा। पूरा देश के लोग उन्हीं के मुट्ठी में है, जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेल और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं ये तंज था, और अमित शाह ने ये तंज कसा था कि तेल और पानी का कभी मिलाप नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बनिया हम नहीं, बनिया वो खुद हैं, और तेल पानी का भाव तो वो खुद जानते होंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।